गुना बमूरी सामाजिक जनसंगठन एकता परिषद के जिला संयोजक सूरज सहरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साथी विजय प्रधान और इंदिरा के द्वारा 18-19 नवंबर दिवसीय गुना के बमूरी क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों में पहुंचकर सामूहिक बैठक में भाग लिया, जिसमें संगठन को मजबूत करने हेतु चर्चा की गई और गरीब शहरी आदिवासियों को मूलभूत अधिकार जैसे जल और जंगल जमीन के मुद्दे और सरकार द्वारा चलाई जा रही भिन्न भिन्न योजना के बारे में चर्चा की गई है। आज बमूरी क्षेत्र के ग्राम धनोलिया सिलबट्टी में पहुंचकर सामूहिक बैठक की, जहां ग्राम की गीताबाई विमलबाई ने कहा कि कई पीढ़ियों से वन भूमि पर कब्जा है और निवास भी करते हैं, लेकिन अधिकार नहीं मिला है। ग्राम में कोई रोजगार नहीं है, अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। बैठक को संबोधित करते हुए उड़ीसा राज्य से आए हुए विजय प्रधान ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करें, तभी अधिकार मिलेगा। बैठक में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राजकुमार सहरिया, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती जानकी बाई छत्तीसगढ़ से, कुमारी इंदिरा कार्यकर्ता, राजा राम नंद किशोर मुखिया, मांगेलाल प्रेम मेघराज आदि लोग शामिल हुए। मेरा नाम सोनू शर्मा है, पिता का नाम श्री हरिवंश शर्मा, ग्राम कूड़ा जागीर का रहने वाला हूँ। जी तो हमारे पास में टोंगरा गांव है, वहाँ से लगभग 3-4 वर्ष से लगातार खनन माफिया है जो वापस खनन कर रहे हैं। मैं लाल मोरम का, और मैंने कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की है। इस बार भी मैं आज शिकायत दर्ज करने आया था, तो यहाँ पे कोई माइनिंग के अधिकारी हैं, ढबले नाम है, क्या नाम है उनका, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मेरे अधपत्र में ये नहीं आता, आप कागज कहीं नीचे रख जाओ, मुझे पता नहीं है क्या कर रहे हो आप। सरकारी जमीन है वो इनकी जमीन है, खनन विभाग की सरकारी जमीन है, और आसपास पर्यावरण के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, बहुत नुकसान किया जा रहा है। जी लीज वगैरह? लीज नहीं है आदरणीय, ये काम करने वाले वही गांव के सदस्य हैं, वहाँ पे कहाँ पे डाल रहे हैं? ये कोई पास में गोदाम है, परसुमा रोड पे, उस पर डाली जा रही है, प्राइवेट गोदाम है। इसमें ये मैंने फोटो दिए हैं, इनमें डंपर ड्राइवर भी है और जेसीबी का खनन करते हुए है। अधिकारी अगर चाहें तो मैं स्वयं जाके खड़ा होके उनकी मशीनें, उनके डंपर जब्त कराने के लिए तैयार हूँ, उन पर कायमी जहाँ तक होगी। प्रभारी मंत्री जी का कहना है कि खनन माफियाओं पर कार्रवाई हो, अधिकारी क्यों शांत हैं? क्या अधिकारी भ्रष्टाचार में लुप्त हैं? मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, सीपरी जिले के अधिकारियों से। नहीं, अधिकारी मुझसे ये कह रहे थे कि मेरे अधिपत्य में नहीं आता, मुझे पता नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ। अच्छा, उनका मुझसे ये कहना है, और मैंने फोटो सहित अपनी जान का जोखिम डाल के फोटो लिए हैं, वीडियो लिए हैं, सारे सबूत मेरे पास हैं, उसके बाद भी खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती। और आदरणीय फिर मनगढ़ंत कार्रवाई करता है प्रशासन, किसी का नाम लेता है, किसी को फंसाता है। जब हम सबूत दे रहे हैं, जब जेसीबी चल रही है, डंपर चल रही है, तो पकड़ो उन्हें, कार्रवाई करो। मैं प्रभारी मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लुप्त हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। मैं स्वयं वहां जाके डंपर नंबर, ड्राइवर नाम, मैं सब कुछ बता सकता हूं अगर अधिकारी मेरा साथ दे।